उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें बेहोशी की हालत में यहां लाया गया था। जेल कर्मियों ने उन्हें उल्टियां आने की जानकारी दी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्तार अंसारी ने खिचड़ी खाई थी। उसे खून की उल्टी आने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों की ओर से दी गई सूचना के अनुसार परिवार का गाजीपुर जिले के कालीबाग में पारिवारिक कब्रिस्तान है। वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उमर अंसारी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत स्लो पॉइजनिंग की वजह से हुई है। इसके साथ ही उमर अंसारी ने क्या बोला है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मीडिया के आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग आगे? जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किस किस संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसान। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो, और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक हैं, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और शाम शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी को बीते 17 महीने में 8 मामलों में कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित 65 मुकदमों में से 20 में अदालत में सुनवाई चल रही थी।